वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 5.3। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर जिस तरह 10 था 11 नंबर वैसे ही है, बस अंतर थोड़ा सा का है। अंतर किसका है? थोड़ा सा का। कैसे? वो लैंग्वेज में उतना बड़ा नहीं था, ये बहुत बड़ा लैंग्वेज दे दिया, बाकी कुछ अंतर नहीं है। यहां भी बोला है कि प्रथम, देखिए यदि किसी एपी, कोई एपी है क्या है बाबू? कोई एपी है। आईपी का क्या है? प्रथम एन पदों का योग, यानी प्रथम से लेकर के द्वितीय, तृतीय, चौथी, कहां तक लास्ट तक पता नहीं है, लिख दिया गया है बहुत सारा। और उस सब का जैसे प्रथम में मान लो कि पहले होगा A1, A2, A3, A4, ऐसे ही करके एन पदों तक, कहां तक नहीं पता है, तो एन पदों तक सबको जोड़ा गया है। माने जोड़ने का मतलब एस होता है, बताया था योग का मतलब क्या होता है, एस होता है, जोड़ा गया है तो कितना आया है? 4n माइनस एन स्क्वायर आया है। ठीक, यानी कि आपको एपी आराम से तैयार हो जाएगा। आप बताइए पहला वाला में क्या होगा, 1 भरिएगा, n का a तो है, यहाँ भी a, n के जगह यहाँ क्या है 1, तो एक बार 1 भरना है, फिर 2 भर के ट्राई कीजिए, ऐसे पहला पद निकल जाएगा, दूसरा पद निकल जाएगा, इससे पता चल जाएगा a और d, बीच के अंतर को d कहते हैं ना। जैसे कैसे निकलिएगा, जब यहाँ 1 भरिएगा, एक n का मान क्या होगा 1, तो यहाँ 4 × 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 × 1 = 4 माइनस ए कितना हो जाएगा 3, यानी कि S1 आपका 3 आ गया। S1 को हम लोग ए भी कहते हैं, ये बात पता नहीं पहला। अच्छा बताइए S1 का मतलब क्या, एक को जोड़िए, तो एक को क्या जोड़िएगा, कोई फायदा है? जैसे दो को बात करेंगे तब ना जोड़ा जाता है, हम बोले 5 जोड़िए, क्या जोड़िए, किस में जोड़े हैं, कुछ पता चल रहा है? हम बोले कि 5 और 2 जोड़िए तब पता चलेगा, अच्छा मैंने इसमें जोड़ना है, ये कहिएगा ना। तो वही S1 और A1 दोनों का है, एक ही है। अब देखिए अगर हमको S2 निकालना हो तो क्या करेंगे, 4n का मान 2 भरे, तो n का मान 2 भरिए, 2 का स्क्वायर, 4 × 2 = 8 और 2 × 2 = 4 घटेगा तो 4 हो जाएगा। S2 = कितना आ गया, 4 आ गया, आपका S2 निकल गया। अब S2 से A2 कैसे निकलेगा, सोच के देखिए, पहला वाला पता हो गया कितना है 3 है, ठीक, और दूसरा वाला में क्या जोड़ा गया है ध्यान से समझिएगा। S2 माने होता क्या है, S2 का मतलब होता है माने A1 और A2 को जोड़ दिया गया है, A1 प्लस A2 माने दो को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा S2, अगर तीन गो को जोड़ दे तो 3 लिख देंगे, S माने जोड़ना होता है, ठीक है। तो S2 बराबर क्या हो गया, दोनों को जोड़ना है, S2 आया है 4, A1 पहला वाला A1 कितना है, यही ना है 3, अब प्लस A2, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 4 − 3 कितना हो गया आपका, ये A2 बराबर हो गया 1, A2 दो नंबर पर निकल गया आपका A2। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, AP ये था, AP में A1 कितना आया है, पहला वाला 3, A2 कितना आया है 1, इसका मतलब पता चला है ना, घटते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, इसका मतलब कि A बराबर हो गया आपका 3, डी यहीं से निकाल लीजिए, इसमें से घटाइएगा तो 1 में से क्या जाएगा 3 जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में 2, आपका डी बराबर कितना आ गया -2। अब निकालना क्या क्या है वो समझिएगा, कह रहा है प्रथम पद निकाल लिए हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका कौन सा पद, प्रथम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रथम पद क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग का होगा, माने दो को जोड़िएगा तो क्या होगा, यानी ई दोनों को, तो क्या जोड़े हैं S2, उसको बोलते हैं ना 4 आया है, S2 कितना आया है 4, ये दोनों को जोड़े हैं तो उसे जोड़ने को S कहते हैं, दो को। उसके बाद बोल रहा है यहाँ तीसरा नंबर, दूसरा पद निकालिए, अभी निकाला है पहला पद 3, तो दूसरा पद कितना आया है 1 आया है, यानी A2 भी यहाँ निकल गया है दूसरा पद। उसके बाद बोला इसी प्रकार दसवें तीसरे, फिर उसके बाद से दसवें, अब A3 निकालना है, तो A3 जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा A + 2D, A का मान हो गया है आपका कितना, A का मान इधर 3 प्लस 2 और डी का मान माइनस में 2, तो हो जाएगा 3 + 2 = 4, माइनस में डायरेक्ट 4 लिखो, जब ये घटाइएगा तो माइनस में 1, A3 कितना हो गया -1। उसके बाद क्या दसवां पद, क्या बोला है दसवां पद, इसी प्रकार से तीसरा और दसवां पद, तो A10 बराबर होता है A + 9D, A का मान 3 प्लस 9 और डी का मान आया है -2, तो 3 प्लस माइनस -9 × 18, 18 में से 3 जाएगा तो माइनस में 15, ये भी निकल गया आपका। उसके बाद क्या बोला है nवा पद ज्ञात करें, nवा पद माने an निकालना है, क्या निकालना है an, तो an क्या हो जाएगा, a कितना है यहाँ देखिए 3, an बराबर होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हो जाएगा थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान माइनस में टू, थ्री प्लस ये हो जाएगा माइनस में टू एन, माइनस माइनस प्लस टू, ये तीन और दो पाँच माइनस टू एन, ये आपका एनवा पद हो गया। तो यही आपका पूछ रहा था, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए पूछेगा एक नंबर में, नौटंकी इतना बड़ा पूरा घेर बांध के लिखा है। देखिए कैसे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है ऐसे प्रथम 40, प्रथम मतलब ऐसे एक से लेके 40 तक छः का पहाड़ा लिखना है। छः से विभाजित का मतलब बताइए, छः से भाग लगने का, जब आप छः से डिवाइड करते हैं तो किस चीज़ का टेबल पढ़ते हैं, छः का। तो कह रहा है छः से कटने वाला 40 को पहाड़ा लिखिए। तो पहले छः का पहाड़ा शुरू कहाँ से होता है, यही तो एपी है। छः कटेगा, छः दूना 12 कटेगा, छः त्री 18 कटेगा, छः चौका 24, ये सब है कि नहीं। छः का पहाड़ा ही लिखे तो छः से विभाजित यही ना होगा। तो अब से बताइए, यहाँ 7 लिखेंगे तो 6 से कटेगा, ऐसा लिखना है जो 6 से कट जाए, तो 6 का पहाड़े सीधे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये क गो है, 1 2 3 4 क गो लिखना है, ऐसे ऐसे 40 गो लिखना है। सब धन पूर्णांक, धन मतलब पॉजिटिव इंटीजर, प्लस वाला सब है कि नहीं, 40 को लिखना है। तो एक नंबर 2 3 4 यहाँ 40 नंबर पे क्या होगा, 40 में 6 से 6 चौका 24, लास्ट में होगा 240, माइनस में नहीं है जी, यहाँ समझ जाइएगा। देखिए 6 से कटने वाले 40 को है, ये नंबर है 6 6 2 12 36 18, आइए एक एपी है क्योंकि सब में 6 6 का अंतराल है, 6 का पहाड़ा पढ़ने का मतलब क्या हुआ, 6 6 का गैपिंग बीच में, तो एपी तैयार हो गया। कह रहा है जितना है सबका क्या निकालिए, योग निकालिए। तो ए बराबर दे दिया है कितना, ए बराबर 6, डी बराबर 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 ही बचेगा, ठीक है। आपको लास्ट में क्या दे दिया है, ए एन, लास्ट वाले नंबर को कहते हैं ए एन, और निकालना है एस 40, 40 को का योग निकालना है पूरा का, ठीक है। तो 40 एस माने जोड़ना, एस मतलब क्या होता है, योग होता है, और यहाँ 40 को का निकालना है, तो हो जाएगा फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये छोटा वाला फॉर्मूला क्यों, क्योंकि ए एन पता था हमको, ये पता है ना ए एन, ये पता नहीं है क नंबर, ये भी पता हो गया क नंबर पर है, कितना नंबर पर है, 40 नंबर पर है, 40वां पद है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा कितना, 40 बट्टा 2, और a का मान 6 प्लस कितना है 240, ये कटेगा तो हो जाएगा 20, और इंटू 240 और 6 कितना होता है 246, 6 दुना 12 के दो हाथ में 1, 4 दुना 8 1, 9 2 दुना 4 हो जाएगा, ये 0 आपका हो गया, इतना ही आंसर। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, अब बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव टाइप में, ये सब यही सब क्वेश्चन रहता है, 5 लेसन से इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, ये बहुत ही आसान है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 8 के यानी 8 का यानी जो भी है प्रथम 15 गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, 15 का पहाड़ा नहीं, 15 पहाड़ा पढ़ना है, कैसे, 8 का टेबल पढ़िए कितना, 15 बार पढ़िए, 15 गुणज का योग, और उसको 15 को पढ़ के आप तो 8 का पहाड़ा 10 तक जानते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, पहाड़ा को एक सजाने के लिए 10 तक लिखा है कि 1 का पहाड़ा 10 तक पढ़िएगा, 3 का अगर पहाड़ा का बात करें तो ये 30 तक हो पढ़ते हैं, 4 का पहाड़ा कितना तक पढ़िएगा, 40 तक, लेकिन ऐसा नहीं है, 4 का पहाड़ा अगर 40 पढ़ रहे हैं ना तो ये 10 बार में 40 आता है, लेकिन 11 बार में क्या आएगा, 44, 12 बार में क्या आएगा, 48, ऐसे होता है, समझिएगा। पहाड़ा को एक सजाने के लिए 10 तक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 8 का पहाड़ा 15 गुणज होना चाहिए, यानी 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 के 24, 8 चौका 32, ऐसे करते करते लिखिए कब बार, 15 बार, यानी कि 1 2 3 4 हो गया, ये 4 को पद हुआ ना, ऐसे ही 15 पद लिखना है, और उस सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 8 का पहाड़ा अगर आप 15 बार पढ़ते हैं तो 15 8 कितना होता है 120, यानी लास्ट वाले नंबर में कितना आएगा, 120 आएगा, और इसका योग निकालना है। सब दे ही दिया है, ए बराबर, ये एक एपी नहीं बन गया, ए बराबर आर, डी बराबर घटाएंगे तो 16 माइनस 8 बच जाएगा 8, ए एन, लास्ट वाले टर्म को ए एन कहते हैं, अंतिम पद 120, लेकिन कितना है ये 15 नंबर पे है, डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है 15 को है, क्योंकि ये 15 पद बोला भी है, ठीक है। अब निकाल दीजिए एस एन बराबर एन बाई टू, क्या होता है ए प्लस ए एन, एन का मान कितना है 15, अब बट्टा 2, 15 को जोड़ना है, और ये हो जाएगा ए 8 प्लस ए एन कितना है 120, यही ना है 15, ये हो जाएगा 15 बट्टा 2,
120 और ये हो जाएगा 128, कटाइएगा तो दो दूना दो छक बारह, दो चौका आठ, पंद्रह चौका साठ के जीरो, गुणा कर दो हाथ में छः और पंद्रह छक एक, पंद्रह पचहत्तर, पंद्रह छक्का नब्बे, नब्बे और छः छियानवे हो जाएगा 960 आया, पंद्रह पच्चे पचहत्तर, पंद्रह छक्का नब्बे, 960 हो गया। तो इसका योग निकल गया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब यहीं पे देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रहा है कि 0 और 50 के बीच, मान लीजिए कि यहाँ 0 हो गया, इधर डॉट डॉट कर दे रहा है, यहाँ क्या हो गया 50, इसके बीच में पहले विषम संख्या निकालिए और उसी को जोड़ना है। विषम संख्या देखिए तो विषम, विषम समझ में आया, एक दो तीन गो वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब इसका जोड़ा नहीं लगेगा, लेकिन अगर सम बोलेगा तो एक दो गो शब्द, मतलब छोटा छोटा वर्ड से लिखा है, शब्द से लिखा है, तो दो गो से लिखा है, एक गो से लिखा है, एक दो तीन गो से, तो इसका जोड़ा लग जा रहा है, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो जिसका जोड़ा नहीं लगे वो विषम, जिसका जोड़ा लग जाए वो सम। तो बताइए जीरो से पचास के बीच में किसका किसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो हो जाएगा एक का जोड़ा नहीं लगता है, तीन पाँच सात ऐसे ही ना, ये सब का जोड़ा नहीं लगता है, ये विषम है सब। कहाँ तक, पचास के बीच में तक, क्या होता है 49 तक जोड़ा नहीं लगता है, ऐसे का योग निकाल देना है। ये आपका क्या दिया है, ए एन दिया है, ये दिया है आपका पहला वाला ए, यानी कि यहाँ डायरेक्ट लिखिए ए बराबर वन और डी बराबर तीन माइनस वन, तीन में से एक जाएगा तो दो हो जाएगा, ए एन बराबर कितना दिया है 49। अगर इसका आप एन निकालने जाइएगा तो ये 25 नंबर पे आएगा, अगर नहीं भरोसा है तो ए एन का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए, एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना दिया है 49 है, ए दिया है आपका एक प्लस एन माइनस वन, डी घटाइएगा तो कितना है दो, 49 ये हो जाएगा वन प्लस ये हो जाएगा टू एन माइनस टू, 49 बराबर वन, दो में से एक जाएगा तो हो जाएगा माइनस में एक प्लस में टू एन, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा वन बराबर टू एन, 49 और एक कितना होता है 50 बराबर टू एन, कटाइएगा तो कितना होगा 25, एन बराबर कितना आया 25। जब एन बराबर 25 आ गया तो निकालना है, ये टोटल 25 गो है, एक से लेके और 49 तक अगर काउंट करोगे तो एक तीन पाँच सात, ये टोटल कितना है 25 गो, ये 25ों को जोड़ देना है, क्या कर देना है 25ों को जोड़ देना है। तो जब जोड़ देना है ये चार नंबर है, यानी कि एस 25 निकालना है, तो आपका फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन, एन कितना है तो 25 है बटा में टू, ए कितना है 1 है, ये वाला अब एपी हो गया है ठीक है, प्लस ए एन लास्ट वाला है 49, 25 बटा दो 25, 49 और ये कितना होता है 50, कटाइएगा तो हो जाएगा 25, 25 में 25 से गुणा कर दीजिए बच गया 25 और 25, 25 25 में गुणा कीजिएगा तो 625, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए नौटंकी का इतना बड़का क्वेश्चन लिख दिया है, लग रहा है क्वेश्चन सॉल्वे नहीं होगा, देख के ही डर लग रहा होगा, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ कह रहा है निर्माण करे कोई काम धंधा हो रहा है, बेचारा मान लो कि काम धंधा में ठीका लिया जाता है कि हम भाई इतना में काम पूरा कर देंगे, लेकिन अगर लेट कीजिएगा तो भाई फाइन मारेंगे ठीक है, फाइन मारना समझते हो ना भाई, एक्स्ट्रा पैसा जुर्माना लगेगा ठीक है। तो यहाँ लेट काम में हो गया है, यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित तिथि के बाद क्या होता है विलम्ब का कार्य पूरा करने में जुर्माना लग रहा है, पहली बार में जुर्माना लगेगा 200 रुपया, उसके बाद 50 रुपया, फिर लेट करेगा तो फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि 250 हो जाएगा, फिर अगर लेट किए तो फिर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ऐसे करते करते वो पहला दिन 200 रुपये बेचारे दे दिए, हो गया कहानी खत्म, दूसरे दिन में 250 रुपये 50 रुपये बढ़ा के दिए, तीसरे दिन में फिर 50 रुपये बढ़ा रहे, ऐसे ही 30 दिन काम लेट हो गया है, कितना दिन काम हो गया है 30 दिन काम लेट हो गया है, यानी लास्ट में ये 30 दिन तक चला है। अब देखिए तो कह रहा है कि सब पैसा मिला के जुर्माना कितना भरे हैं, तो पहली बार में 200, फिर 250 भरे हैं, फिर 300 भरेंगे, फिर 350 भरेंगे, ऐसे करते करते 30 दिन तक पैसे भरे हैं ठीक है। तो लास्ट में यहाँ कितना होगा, तो यहाँ कर सकते हैं आप कितना ए एन निकाल लीजिए, ए एन 30 तो होता है ए प्लस 29 डी, यहाँ कितना हो जाएगा ए का मान है 200 और प्लस 29 और डी का मान इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा 50 होगा ठीक है, घटाने के बाद 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 प्लस 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 5 दूना 10 और 4 14,
इतना हो गया। 1450 में 200 जुड़ेगा तो हो जाएगा 1650, यानी यहाँ हो जाएगा 1650। ये कितना दिन? 30 दिन का निकल गया, ठीक है। यानी पहला दिन में 200 रुपया फाइन, 250 रुपये उसके अगले दिन, फिर लेट करेंगे फिर 300 रुपये, ऐसे करते करते 30वां दिन है कितना भरे हैं? 1650। सब का योग निकालना है, सब मिला के फाइन कितना भरा है, माने योग माने एस 30, 30 दिन को जोड़ देना है, ठीक है। तो आपको उपाय बताएं, सबको जोड़ दीजिए तो बहुत समय लगेगा ना जी। तो यही है कि फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा? एस 13 बराबर होता है एन बाई टू, एस एन लिखिए, ए प्लस ए एन, ये एन का मान 30 दिन का जोड़ना है तो हो जाएगा कितना? 30/2, ए का मान दिया है 200 प्लस ए एन का मान दिया है 1650 दिया है, ये कटाइएगा तो हो जाएगा 15, ये हो गया 15, 1650 और 200 जोड़िएगा 1850 हो जाएगा, गुणा कीजिए 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में लगा 7 और 15 × 8 = 120, 120 और 7 127 के 7 हाथ में हो जाएगा कितना? 12। अब 15 × 1 = 15 और 12 कितना होता है? 5 × 2 = 7 और 1 आपका हो जाएगा इतना, टोटल मिला के आपका आया 17750। इतना रुपया उसको बताओ बेचारे ठेकेदार को कितना नुकसान, फाइन मार दिया, कितना? 17750 रुपया, ये सिर्फ फाइन मारा है, यानी जुर्माना भरना पड़ा है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, था ना बहुत आसान? तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन, मान लीजिए कहीं देखिएगा स्कूल में नाटक वगैरह होता है किसी मंच पे, ठीक है, तो नाटक में मंच हुआ तो 7 व्यक्ति को नगद पुरस्कार, 7 को बच्चे को पुरस्कार देना है, 700 रुपया उन लोगों के पास है, पूरे स्कूल में 700 रुपया बांटना है 7 आदमी के बीच में। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 100-100 रुपया पर नहीं बांट देंगे, 7 आदमी का हो जाएगा, लेकिन आप बताइए कि जब किसी प्रकार का स्टेज पर प्रोग्राम होता है तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, अगर सबको बराबर दे दीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे पता चलेगा कौन अच्छा किया है, कौन थोड़ा सा उससे कम अच्छा किया है? इसीलिए कुछ कुछ पैसा बांटा जाता है, वो पैसा 700 रुपया में ही 7 आदमी को बांटना है और सब पैसा खत्म कर देना है, और सबके पैसे में 20 रुपये का अंतर है, 20 रुपये क्या है? कम है, सबको पुरस्कार बांटा गया था 20-20 रुपये कम है। अगर ए का 20 होगा तो ए का मान लो कि 70 है, एक से 20 होगा, एक कम होगा 50 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 20-20 कम है कि नहीं? तो कुछ ऐसे ही 20-20 कम है, समझिएगा। कितने स्टूडेंट को देना है? 7 स्टूडेंट को। तो मान लीजिए कि एक लड़का का यहाँ हो गया, फिर एक लड़का का यहाँ हो गया, ठीक है, 4, 5, 6, 7, यानी टोटल स्टूडेंट का गो 7 को है, और 7ों को जोड़ने पर कर रुपया आ जाएगा, 700 रुपये बांटा गया, यानी 700 आना चाहिए, यानी कि S7 7 व्यक्ति को जोड़ा जाएगा तो कितना आना चाहिए? 700 रुपया आना चाहिए, ठीक है। 7ों आदमी के पास जो भी पैसा पुरस्कार में दिया जाएगा तो 700 रुपया आना चाहिए, ये दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद से कह रहा है सब में कितना का अंतर होना चाहिए? 20-20 का अंतर चाहिए, 20-20 रुपये कम होना चाहिए, यानी कि डी दिया है, बीच में बराबर गैपिंग है ना 20-20 का, तो उसी को तो डी बोलते हैं, यानी कम है तो माइनस में 20, यानी सब में 20-20 माइनस है, ठीक है। जब ये दिया है तो हमको क्या निकालना है कि बताइए कि सब बच्चे के पास कितने रुपए हैं, ठीक है, पहले वाले के पास कितना होगा, फिर 20 को कम इसको कीजिए, फिर 20 को कम इसको कीजिए, ऐसे। तो पहले हमको पहला वाला निकालने के लिए, पहला वाला को एपी में क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं ना, यहाँ से निकलेगा। S7 का फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला होता है एन बाई टू, 2a + n - 1 × d। S7 700 रुपये को बांटना है, n कितना है? तो n आपको 7/2, 2a नहीं पता है, n है कितना? 7 - 1, और d का मान है -20, ये हो जाएगा 7/, ये कटा दीजिए, 7 × 7 00 है तो 100 है, 1 और 00 है ना, और 100 में 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 200, तिरछा तिरछी गुणा होता है, ऊपर ऊपर कट जाता है, ठीक है, 2a। और ये देखिए 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में गुणा किससे होगा? -20 से, तो 6 × 2 = 12 माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में 120, ये हो जाएगा कितना? प्लस, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 200 और प्लस 120 बराबर 2a, ये हो जाएगा कितना? 320 बराबर 2a, कटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना? 160। a का मान कितना आ गया? ए बराबर आ गया 160। अब यदि पहला लड़का को, यानी फर्स्ट नंबर पे ए होता है, फिर दूसरा लड़का है, फिर तीसरा लड़का है, कौन सा लड़का है? 7 गो लड़का है, 5
6, 7 पहला लड़का को कितना मिल गया है आपको 160 रुपया मिला है। इससे 20 को कम तब 140, फिर इससे 20 को कम तो 120, फिर इसको 100 रुपये, फिर इसको कितना मिला होगा 80 रुपये, फिर इसको कितना मिला होगा 60 रुपये, फिर इसको 40 रुपये। तो यही आपका एपी है, 20-20 वो कम है। यही बोल रहा था कि यहाँ पे प्रत्येक पुरस्कार का मान निकाले, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकल गया, ये निकल गया 20-20 कम कर दो। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट है, बहुत ये भी आसान। बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यानी बड़ा पैक में छोटा धमाका। इतना बड़ा है, नौटंकी किया है, फंसाया है आपको, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्ट कट में बात समझ लिए। कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, देखिए वायु प्रदूषण कैसे कम होता है, पेड़ वगैरह लगाइएगा तो इस हिसाब से कुछ हद तक वायु प्रदूषण पर कंट्रोल रहता है, यानी कि वायु प्रदूषण कम होता है, ठीक है। और यहाँ पे पेड़ लगाना है स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी लगाना है, ठीक है। यह निर्णय लिया गया कि क्लास के जो भी मॉनिटर होगा या फिर क्लास के क्लास टीचर होंगे, और पूरे स्कूल बैठ करके निर्णय लिया, एक काम करते हम लोग पेड़ लगाएं, हम लोग लगाएंगे तो जितने टीचर हैं उतना लगाएंगे, सब विद्यार्थियों से भी लगाया जाए, ठीक है। तो जब सब विद्यार्थी लगाएगा एक एक पेड़, तो बहुत ज्यादा पेड़ लग जाएगा ना। तो देखिए प्लानिंग क्या हुआ, प्लानिंग ये हुआ है कि वो क्लास एक से लेकर 12 तक चलता है। किस क्लास तक चलता है, 12 क्लास तक चलता है। यानी कह रहा है कि अब देखिए छोटा छोटा बच्चा है तो एक हने को पेड़ लगाएगा, बड़का तनी ज्यादा लगाएगा, ये बात हुआ। तो कक्षा एक एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो दो को पेड़, माने जिस क्लास में पढ़ता है उतना पेड़ लगाना है। अगर तुम 11 क्लास में पढ़ते हो तो आपको 11 को पेड़ लगाना है, कौन लगाना है 11 को पेड़, इस तरह से लगाना है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्लास 1 है, 1 में कितना पेड़ लगाना है, एक पेड़। लेकिन पता है 1 में बहुत ज्यादा लड़का हो गया, तो जब देखिएगा ज्यादा लड़का हो जा रहा है तो स्कूल में सेक्शन वाइज बांट दिया जाता है, मतलब बांट जाएगा पहला ए पहला बी, यानी फर्स्ट ए फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। लोग कहता है किस क्लास में पढ़ते हो, तो भाई 6 में पढ़ते हैं, या फिर मान लो कि 10th में पढ़ते हैं, तो 10th में किस में था, 10th ए में पढ़ते हैं, यानी कि 10th का भी कौ गो सेक्शन बांट दिया जाता है। तो कह रहा है सब क्लास का 3-3 गो सेक्शन है, इसका भी 3 गो, इसका भी 3 गो, 12 तक 3-3 गो, हर एक सेक्शन एक एक पेड़ लगाता है। कक्षा एक है तो एक गो लगाएगा, लेकिन ये कौन हिस्सा में है, 1 क्लास ही 3 ही समय था, 1-2 ये हो जाएगा, तो बताइए 1 क्लास से कौ गो पेड़ हुआ। अगर 3 गो रूम में क्लास 1 बैठ रहा है तो एगो क्लास एगो पेड़ लगाए, ये भी एगो लगाए क्योंकि 1 में पढ़ता है ना, ठीक है। तो यहाँ से 3 गो पेड़ निकलेगा, ये 2 क्लास है तो सब 2-2 गो लगेगा, सब में कौ गो सेक्शन है, 3-3 सेक्शन है, तो 2-2-2 ये भी 3 ही समय तो हो जाएगा, 3-3-3 इस हिसाब से, मतलब पूरा का पूरा 12 क्लास है। तो ये 12-12 गो पेड़ लगाएगा, लेकिन इसका कौ गो सेक्शन है, 3 सेक्शन है। टोटल कितने भागों में बटा, अनुभाग बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। अनुभाग कितना है, 3 है। तो जब ए गो रूमवा 12 गो लगाएगा 12 क्लास वाला, तो 12 का 12 12 12 36, यानी कि आपको देखा जाए अगर तो 12 क्लास से 36 गो पेड़ लगाएगा। पहला में 3 गो लगा, दूसरा में 6 गो लगेगा, तीसरा में 9 गो लगेगा, ऐसे करते 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 12 क्लास में 36 गो लगेगा। कह रहा है तो बताइए सब मिला करके उस स्कूल से कितना पेड़ लगा है, तो सब मिला करके टोटल कौ गो है, 1-2-3 करते करते 12 गो है। कितना है बाबू, 12 गो, यानी कि सबको जोड़ना है, 12 को क्या कर देना है, जोड़ देना है, S12 निकालना है। A कितना दिया है, A बराबर दिया है 3, D बराबर माइनस कर लीजिए तो 6-3 कितना हो गया, 3। और लास्ट वाला नंबर को कहते हैं AN, और AN के जगह पता है 12 नंबर पे वो है, कितना है A12 36 है, ठीक है। और S12 निकालना है, फॉर्मूला लगा दीजिए, S12 यानी SN बराबर क्या होता है, N/2 A+AN, यहाँ हो जाएगा कितना, S12 गो को जोड़ना है तो 12/2, A का मान आपका कितना हो जाएगा 3, प्लस AN का मान हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 6 × 36 और 6 39 होता है, जब ब्रैकेट हटता है तो गुणा आता है 39, 6 × 9 = 54, हाथ में लगा 5, और 6 × 3 = 18, 19, 20, 21, 22, 23,
234 है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन, इतना छोटा आंसर, ऐसे ही होता है। डराने के लिए तो कुछ भी दिया जा सकता है, डरना नहीं है, लड़ना है। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त है। देखिए इतना जबरदस्त तरीका से इसको समझिएगा तो आपके आपके दिमाग में डायरेक्ट सेट हो जाए। यहाँ कह रहा है कि केंद्र ए से, यहाँ केंद्र है किसी भी वृत्त के बीच वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहा है केंद्र ए से शुरू होती है। यहाँ देखिए तो केंद्र ए से मान लीजिए कि इसको कोई वृत्त ऐसे शुरू किया गया है, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ त्रिज्या लेके तब ना ऐसे वृत्त बनाएंगे आप, यही तो करेंगे। तो त्रिज्या कितना है, आपको त्रिज्या दिया है पहली बार में वृत्त बनाना है तो 0.5 है। पहली बार में त्रिज्या कितना है, 0.5। त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वृत्त अगर मान लीजिए कोई है और वृत्त का केंद्र से ये वाला जो दूरी होता है परिधि, इसको कहते हैं साइड साइड का जो बाउंड्री है इसको परिधि बोलते हैं, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो आप बताइए, मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। वृत्त का यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या। लेकिन यहाँ से नहीं घुमा, एक वृत्त अर्ध वृत्त बनाया, पूरा वृत्त नहीं है। पूरा वृत्त रहता तो कैसे बनता, ऐसे बनता, ठीक है, अर्धवृत्त बनाए। फिर यहाँ से एक वृत्त बनाए ऐसे, ये भी एक अर्धवृत्त है लेकिन इस बार थोड़ा सा ही बड़ा बना है। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ही बना है आधा वृत्त, इसको पूरा करोगे तो ऐसे गोल होगा ना, तब जाके पूरा होगा, यानी ये आधा वृत्त बना है। क्या बना है, आधा वृत्त। अब कह रहा है यहाँ समझिएगा कि ए से प्रारंभ होते हुए बारी बारी से केंद्र ए, फिर अब यहाँ पे केंद्र हो जाएगा यहाँ पे बी को लेते हुए त्रिज्या 0.1 पहले त्रिज्या है। त्रिज्या कितना है, पहली बार में छोटा वाला वृत्त है तो त्रिज्या हो गया कितना, 0.5, पहला वाला त्रिज्या हो गया। दूसरा वाला उससे बड़ा वृत्त बना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका त्रिज्या बढ़ गया है। त्रिज्या बढ़ेगा नहीं, जितना बड़ा त्रिज्या होगा उतना बड़ा वृत्त होगा, क्योंकि त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त केंद्र से और यहाँ परिधि तक जो लाइन जाता है। अब देखिए तीसरी आर टू मान लीजिए हम 1 सेंटीमीटर मान लें, ये वाला आर थ्री ऐसे कितना मान लें, 1.5 सेंटीमीटर। आर फोर यानी अगर उससे ऐसे ही करते करते ये बढ़ते गए, देखिए ये वाला अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया, फिर ऐसे करेगा। ये कितना राउंड घुमा है भाई, तो ये बता रहे हैं 13 राउंड घुमा है। कितना राउंड घुमा है, 13 राउंड घुमा है। तो 13 तक तो नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ 2.0 सेंटीमीटर 4 तक ही लिखो। अब कह रहा है क्वेश्चन में, आप तो पढ़ रहे हैं एपी और एपी में योग पढ़ रहे हैं, उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं, योग। तो कह रहा है कि इसकी लंबाई बताए, यहाँ से यहाँ कितना लंबा है, फिर यहाँ से यहाँ कितना लंबा है, यहाँ से यहाँ। तो किसी भी वृत्त में देखिए, यहाँ से किसी भी वृत्त में अगर इसकी लंबाई, इस मेढ़ी की लंबाई निकालना है कि यहाँ से यहाँ कितना मेढ़ी लंबा है, तो उसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। तो आप देखिए वृत्त की परिधि होता है 2πr। πr कब हो, 2 होता है जब पूरा वृत्त का पूछेगा। तो वृत्त को अगर आधा कर दे, क्या कर दें हम, वृत्त को आधा कर दे, तो जब पूरा था ऐसे तो 2πr, πr का गो 2 मतलब 2 πr। जब आधा हो जाएगा तो 1 πr होगा कि नहीं, या फिर आधा करना हो तो नीचे बटा 2 लगाते हैं, आखिरकार 1 ही गुना πr हुआ, यानी आधा वृत्त की परिधि होता है πr। यहाँ आधा वृत्त की परिधि πr तो होता है अर्धवृत्त की, लेकिन किस हिसाब से, सिर्फ इसका πr होता है, दिमाग में रखिएगा। अगर ऐसे बना दे आधा वृत्त, तब इसका वृत्त की परिधि πr नहीं होता है। देखिए मेढ़ी को जोड़ दीजिए उसको परिधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिधि। तो ये वाला हो गया आपका पूरा, अगर ऐसे गोल था तो था 2πr, जब आधा हो गया तो यहाँ से यहाँ सिर्फ आधा होता है πr, लेकिन अगर यहाँ लाइन खींच दिए तो आप बताइए कि तो ये भी तो मेढ़िए नैगो है, बीच में कोई आदमी रहेगा तो उधर से ऐसे चांद की तरह घेरा है इधर से, तो इसकी भी लंबाई को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो कग बार जुट जाएगा, एक बार कग बार, 2 बार। तो ये ऐसे का जब पूछेगा ना तब होता है ये दोनों का योग, लेकिन आपसे सिर्फ क्या पूछा है, इसका ये चांद जैसा जो बन रहा है इसकी लंबाई यानी कि πr, इसके लिए भी क्या होगा πr, इसके लिए भी क्या होगा πr, इसके लिए भी क्या होगा πr, कितना बार, तो 13 बार ऐसे निकालना है। तो यहाँ देखिए आप निकालिए फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले का नाम है l, l का परिधि यानी निकालना है, तो हो जाएगा πr। πr का मान होता है 22/7। r का मान पहला वाले के लिए त्रिज्या कितना है, 0.5 है, 5 × 10 के 0 हाथ में 1, 5 × 10 एक 11, एक अंक के बाद दशमलव कितना हो जाएगा, 11/7। इसका यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, 11/7 सेंटीमीटर। अब ये वाला निकाले तो इसके लिए त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ देखिए
यहाँ से यहाँ हो गया 0.5 और फिर ये 0.5 यही ना बढ़ते गया है बराबर, तो 0.5 होता है ऐसे 10, तो हो जाएगा 1। वैसे भी दो नंबर का त्रिज्या 1 है, तो यहाँ L1 है तो L2 निकलेगा, तो ये भी पाई आर, पाई का मान 22/7, आर का मान 1 भरिएगा तो इसका हो जाएगा 22/7। दूसरे वाले की लंबाई कितना निकल गया, ये हो जाएगा 11/7, ये हो गया 22/7। उसके बाद से L3 निकालना है अगर आपको, तो L3 भी वही पाई आर, ये L3 का हिस्सा मान लीजिए कि L1, L2, L3, ये क्या है L3, यहाँ से यहाँ नापना है कितना है, तो परिधि है आधा परिधि, तो होता है 22/7, आर का मान कितना दिया है 1.5, 0.55 बढ़ते गया है, ठीक है। ये गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 15 × 30 के 0 हाथ में लगा 3, और 15 × 30 और 3 = 33, अब बटा में 7, एक अंक के बाद दशमलव, तो हो जाएगा 33/7। अब रहने दीजिए क्या चार निकाले, कैसे 11 है 22 है फिर 33 हो गया, तो 11 11 करके बढ़ रहा है कि नहीं, यानी कि अगर आप एपी के रूप में देखेंगे और सबका लंबाई निकालना है, ये हो गया कितना, अच्छा देखिए एपी में सबको अगर जोड़िएगा तो 11/7, 22/7, 33/7, तो ये वाला 44/7, ऐसे ऐसे करके 13 बार होगा। तो जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, पहला वाला 11/7, इसमें जोड़ना है 22/7, इसमें जोड़ना है 33/7, ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन कितना बार होना चाहिए, 13 बार होना चाहिए। तो एक अगर 13 बार आपको लाना है, ठीक है, तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे, योग का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 13 बार घुमा है तो क्या निकालना है, योग का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका S13 फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A + N-1 × D, ये हो जाएगा आपका 13/2, 2 और A का मान 11/7 दिया है, पहला वाला A का मान हो जाएगा, उसके बाद से प्लस ये 13-1 और D का मान इसमें से ये घटा दीजिए, AP तो यही है, इसको घटा दीजिएगा तो आएगा कितना 11/7, ये हो जाएगा आपका 13/2, 11 × 22/7 प्लस ये हो जाएगा कितना 13 में से एक जाएगा तो 12 × 11/7, 13/2 और ये हो जाएगा 22/7 प्लस गुणा कीजिएगा 12 में 11 से, तो हो जाएगा 132/7, 13/2 जब ये कीजिएगा तो हो जाएगा बट्टा का जोड़ कीजिए, बट्टा का जोड़ जैसे दिख रहा है तो ये हो जाएगा 22 + 132, 13/2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और 2 = 4 और उसके बाद से हो जाएगा 3 और 2 = 5 और ये आपका हो गया 1/7, जब इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 7 × 14, 1 बचा तो इसमें 1 जाएगा तो 7 × 14, ई कटाइएगा तो हो जाएगा 11 × 22 था। अब 11 में 13 से गुणा कर लिए, 13 × 11 बच गया, 11 × 33 के 3 हाथ में 3, 11 एकम 11 और 3 आपका 14, 143, यही आपका आंसर होगा 143। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, देखिए मैथमेटिक्स का यहीं पे पावर पता चलता है। देखिए आप कितना भी, ये एक प्रकार का लाठी सजाया गया है, लट समझते हैं ना, लाठी वही सजाया गया है। आप देखिए मैथमेटिक्स का पावर कि कितना भी ज्यादा लाठी सजा के रख दीजिए, टोटल कैलकुलेशन निकाला जा सकता है एक से दो गिन करके कि पूरा लाठी कैसे सजा गया। अगर मान लीजिए कि इस लाठी को सजा गया तो ऐसे ही ना सजा जाएगा, लास्ट में ऐसे त्रिभुज टाइप का बनते जाएगा, ऐसे ऐसे बनते जाएगा कि नहीं, तो लास्ट में बन जाएगा। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए 20, जैसे ये एक नंबर पे 20 गो लाठी नीचे, सबसे पहले कौन गो लाठी नीचे सज दिया गया है 20, उसके बाद से 19 लाठी ऊपर है उसके, उसके बाद से 18 लाठी है, ऐसे ही यहाँ पे बोला लट सज दिया गया है, ठीक है। और टोटल आपके पास 200 लाठी है, कितनी लाठी है 200, एक वो सबसे नीचे कितना है 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे करते करते आखिर कितना लाइन में साजोगे, ऐसे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ऐसे कितना लाइन में कि 200 लाठी कंप्लीट हो जाएगा, तो सबसे ऊपरवा में कौन वो लाठी होगा, यही पूछ रहा है। यानी कि दो चीज़ पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, कौ गो पंक्ति बनेगा, 1 2 3 ऐसे करोगे तो कौ गो में साजोगे कि 200 कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल दिया है लाठियों की संख्या, सब लाठी को जोड़ेंगे तो कितना 200, यानी कि आपको SN नहीं पता है कि कौ गो पंक्ति है, लेकिन जोड़े हैं तो टोटल लाठी कितना है 200 है। एपी में पहला वाला लाठी कितना है 20 गो साजा गया, उसके बाद से 19 सजा गया, उसके बाद कितना सजा गया है 18। अब ये पता नहीं है
और टोटल जितना भी है यहाँ लिख दे सबको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। तो पहले n निकाल ले कि कितना साझा गया है टोटल संख्या, तभी ना मान लीजिए कि यहाँ अगर हम 20 लिखते इसका मतलब कौ गो लाइन ऐसे बना है, 1 2 3 20 को बना है। अगर यहाँ 15 लिखते तो 15 को लाइन में 200 अट गया है लाठी, यानी कि एडजस्ट हो गया है। अब यहाँ समझिएगा, अगर हम एस कितना था, एस एन बराबर 200 था, तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए, तो एस एन का फॉर्मूला होता है, एन का मान तो दिया ही नहीं है, एन बाई टू ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन एन नहीं पता है तो एन छोड़ दो, बटा टू एस एन पता है आपको कितना है, 200 है, ठीक है, इंटू टू ए का मान पहला वाला 20 है, अब प्लस यहाँ एन का मान नहीं पता है छोड़ दीजिए, डी का मान 19 में से जब 20 घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस में 1, ये हो जाएगा 20 में 2 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 400, बराबर हो जाएगा एन इंटू 20 दूना 40, और ये आपका हो जाएगा कितना माइनस में है ना, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 400 बराबर एन, 40 और ये कितना होता है 41 माइनस एन, ब्रैकेट में एन है गुणा कर दीजिए 400, ब्रैकेट के बाहर है एन, 41 एन हो जाएगा, एन में 41 है तो 41 एन, और एन में एन से तो एन स्क्वायर, ये दोनों को इधर लाइए तो हो जाएगा कितना, सजा दीजिएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर, एन है ना तो एन स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस में 41 एन, ये वाला कितना प्लस में 400, ये देखिए तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं, जब इसको तोड़िएगा तो होगा एन स्क्वायर माइनस, इसको तोड़िएगा तो होगा 16 एन माइनस 25 एन और प्लस में 400, क्या किए हैं हम, तो यहाँ पे जब 41 को तोड़िएगा तो 16 और फिर जोड़िएगा 25 तो दोनों मिलाएगा कितना होगा 41, दोनों को गुणा कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, ठीक है, तो यही तो फर्स्ट इंटू, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, यानी सॉरी n कॉमन मिल रहा है, n ये है तो ये हो जाएगा n माइनस 16, ठीक है, अब माइनस इसमें 25 कॉमन मिलेगा तो हो जाएगा n माइनस यहाँ पे 16। रूल क्या है फर्स्ट इंटू लास्ट का, अगर ब्रैकेट में बराबर आ गया फर्स्ट इंटू लास्ट आपका सही है। एक बार बाहर वाला लिखिए n माइनस 25, एक बार अंदर वाला दोनों में से कोई एक लिखिए n माइनस 16 बराबर में 0, एक बार n माइनस 25 को 0 के बराबर कीजिएगा तो हो जाएगा n बराबर 25, एक बार n माइनस 16 को 0 के बराबर कीजिएगा तो n बराबर हो जाएगा 16, एक आया 25 एक आया 16। यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए कि यहाँ जो लाठी साजा गया था वो कितने पंक्ति में साजा गया है, या तो 25 पंक्ति में साजा गया और नहीं तो 16, यह दोनों में कोई होगा, लेकिन सही कौन होगा, तो एक काम करता है यहाँ तो निकल गया आपका कितना कितने पंक्ति है, यहाँ और निकालना है ऊपर की पंक्ति में कितने लट साजे गए हैं सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर तो ए एन बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं ए एन, तो ए एन निकालना है कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में क्या है लास्ट वाली पंक्ति में, तो ये हो जाएगा आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम ए एन का वैल्यू सबसे ऊपर वाले पंक्ति में 25 भरते हैं, कितना भरते हैं 25 भरते हैं, और ए का मान कितना है आपका, ए का मान आपका ए पी इधर है 20 प्लस 25 माइनस 1 और डी का मान घटाओगे तो माइनस में 1, तो 20 प्लस ये हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा, 24 में 1 से गुणा करोगे तो माइनस में हो जाएगा आपका 24, जब ये घटाइएगा तो माइनस में 4, यानी सबसे ऊपरला पंक्ति में एक को गुणिए माइनस में, कभी माइनस में आंसर होता है ये संभव ना है। अब हम भरते हैं ए एन का मान कितना 16 भरते हैं, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 16 माइनस 1 और डी का मान माइनस 1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 16 में से एक जाएगा 15, 15 में एक से जब गुणा कीजिएगा तो माइनस में 15 होगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, जब ये घटाइएगा तो 5 होगा, यानी सबसे ऊपरला पंक्ति में 5 को होगा, फिर नीचे अगर आएगा तो 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते सबसे नीचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और सबको जब जोड़िएगा तो कितना लाठी होगा 200 लट होगा, ठीक है, यानी कि टोटल यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपरी पंक्ति में कौ गो लाठी है 5 को, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं ऊपरी पंक्ति में लठ की संख्या 5, ठीक है, आ कितने पंक्ति में साजा गया है, तो नीचे वाला 20 था 19 था 18 था, तो 1 2 3 ऐसे करके टोटल 16 पंक्ति में साजा गया, 16 को लाइन ऐसे बना है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये आखिरी क्वेश्चन यानी एपी जो है फाइव लेसन जो आपका है मैथमेटिक्स में क्लास टेंथ का उसका आखिरी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कितना जबरदस्त है और ये सोच से बन जाएगा, आप सोच के खुद बना सकते हैं कैसे। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि आपके घर में एक बाल्टी है, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ आलू रखा गया, इसी पर समझ लीजिए आलू रखा गया है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे कहो 10 गो आलू रखा गया है, ठीक है। कितने आलू रखा गया है? 10 गो। आप यहाँ से दौड़ के जाते हैं, आलू को उठाते हैं तो इसमें ग्लास में डालते हैं या फिर बर्तन में डालते हैं, ठीक। फिर यहाँ से डालेंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे डालेंगे। अब कह रहा है कि बताइए आप कितना दौड़े हैं, कितना चले हैं, वही निकालना है, समझिएगा। पहली बार में यहाँ से चले यहाँ से यहाँ तक, पहला आलू तक 5 मीटर दूरी पर आलू है, तो गए होने से 5 मीटर, आए होने से फिर 5 मीटर, 5 मीटर ना जी तो 10 मीटर, यानी कि एक बार में आलू डाल रहे हैं तो 10 मीटर दूरी तय कर रहे हैं, समझिएगा। एपी तैयार हो रहा है। बेचारा पहला बार बेचारा लड़की दौड़ी तो क्या हो गया, एक बार में 10 मीटर। अब ये आलू लाना है, जब ये आलू ला करके इसमें रख दी तो फिर यहाँ से दौड़ी, तो 5 दौड़ी ये और 3 दौड़ी यहाँ से यहाँ 3 मीटर, 5 और 3 8 मीटर गई, फिर उधर से आएगी भी तो 8 और 8 16 मीटर। दूसरी बार में दूरी कितना तय की? 16 मीटर, ठीक। फिर बेचारी रख दी, ये भी आलू खत्म हो गया। तीसरी बार गई तो 5 और 3 8 8 और 3 11 मीटर में पहुँची, फिर 11 मीटर दौड़ के आके इसमें रखी, तो 11 दुना 22, इधर से 11 दौड़ी तो 11 ही 22। आप देखिए ये बेचारी दौड़ते जा रही है, आलू को रखते जा रही है, तो बताओ कि मेहनत पड़ रहा है कि नहीं। पहले 10 मीटर चली, फिर 16 मीटर चली, फिर 22 मीटर चली, ऐसे करके 10 गो आलू लाई है। कब आलू लाई है? टोटल 10 गो आलू ला के रखी है, यानी तो बताइए कि पूरा उसको मेहनत कितना लगा है, ठीक है। तो बताइए ना, यही मान लीजिए कि अभी 3 गो आलू ला के रखी है तो 10 मीटर प्लस 16 मीटर दौड़ी और 22 मीटर दौड़ी, 6 और 2 8 2 1 3 1 4 टोटल मिला के 48 मीटर दौड़ ली, ठीक है। अभी 3 गो आलू में 48 मीटर दौड़ ली, 10 गो दौड़ेगी तो कितना होगा? क्या निकालना है? 10 ओ को जोड़ना है, 1 2 3 ओ को जोड़े हैं तो 48 है, 10 ओ को जोड़ना है तो S10, जहां जोड़ने का बात है वहां S और 10। फॉर्मूला क्या होता है? N/2 2A + N-1 × D। N कितना है? यही ना N है, 10/2। 2A का मान कितना है? पहली बार में 10 दौड़िए, प्लस 10 − 1 × D का मान घटाइएगा तो 6 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5, ये 5 हो गया, 10 × 2 = 20 प्लस 10 में से एक जाएगा 9 और 9 में 6 से जब गुणा किया 9 × 6 = 54 हो जाएगा, ठीक है। 5 × ये आपका 54 यानी 54 और 20 कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 74, ठीक है। गुणा कीजिए 5 × 4 = 20 के 0 हाथ में 2 और 5 × 7 = 36 37, ठीक है। आपका 370 मीटर है जी, 370 मीटर दौड़ेगी, ऐसे जाएगी रफ राइट करते करते 370 मीटर इसको दौड़ना पड़ जाएगा बेचारा 10 गो आलू लाने में। देखिए थोड़ा ही दूरी दौड़ के बहुत ज़्यादा दौड़ लिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक स्टूडेंट के पास आसान भाषा में ये वीडियो उसके पास पहुँचे और वो मैटिंग में ज़बरदस्त नंबर लाए और अपने घर परिवार अपने राज्य का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। तो फिर हम लोग अगले लेसन में मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।